बप्पा से और क्या कहना चाहेंगे? गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। आज बहुत शुभ दिन है और आज इस शुभ दिन पे हमारा आना हुआ गणपति के चरणों में आज हमने जो है दुआएं मांगी हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी हर एक दुआएं पूरी होंगी और आज जो भी हमने मांगा है ना बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा। ये हमने खुद पर्सनल मांगा है। ये मैंने देखा थोड़ा टाइम भी लिया आपने वहाँ पर। या बहुत सारी चीज़ें हैं दिल में और पूरी करनी है अभी आने वाले समय में, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है कुछ बहुत अच्छा काम को आए हुए, तो कोशिश की जा रही है कि कुछ पूरा और ज़्यादा अच्छा काम किया जाए जो लोगों को पसंद आए। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, कितना डिफिकल्ट होता है मैनेज करना पूरे क्राउड को, सेलिब्रिटी आता है उसको हमने देखा है, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है अंदर बाहर, कैसे मैनेज करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? बस ये सब बप्पा को ऊपर छोड़ा है हमने, अंधेरी का राजा बैठा है, सब मैनेज करने वाला वो है, बुद्धि देने वाला वो है, जो जो भी डिफ़िकल्टीज है लाइफ वो विघ्न हरता है, वो सब जो डिफ़िकल्टीज है उसको दूर करने वाला वो है, तो वो जैसे जैसे बुद्धि देते हैं वैसा वैसा हम लोगों को मैनेज करते हैं। और ये देखते हैं कि यहाँ पर जो भी सेलिब्रिटी आया हो, आम जनता आया हो, कुछ धक्का बुक्की ना हो, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, हैंडीकैप लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स है, उनका साथ कुछ ना इंसाफी ना हो जाओ, इसके लिए हमारा कोशिश रहता है कि VIP का साथ लोगों को कैसा एकजुट करके यहाँ पर अच्छा एक दर्शन देना, तो सेलिब्रिटी भी फील कर सके कि हाँ यहाँ पे अंधेरी का राजा पे हम दर्शन करने गए, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, और जो आम जनता है वो भी ये कहे कि हम अंधेरी का राजा के पास दर्शन किया और मुझे खुद भी बिल्कुल तक भी रश है, मगर वहाँ का मैनेजमेंट जो है वो ना लाजवाब है। सबसे पहले तो गणपति बापा मौर्य, जैसा कि गणपति उत्सव जो मुंबई कर की जान है एक तरीके से देखा जाए तो हम मुंबई कर एक पूरा साल इंतज़ार करते हैं बप्पा के आने का, तो गणेशोत्सव चल रहा है, काफ़ी पंडालों में हम लोगों ने विजिट की है, बट जब अंधेरी का राजा जब हम आते हैं तो एक अलग ही सुकून और एक अलग एनर्जी मिलती है। जैसा कि उदय जी ने कहा कि विघ्न हरता है, सबके विघ्नों को हरते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारी भी लाइफ में थी जो यहाँ हम जब से यहाँ आना शुरू हुए तो हमें एक प्रोग्रेस मिली, एक एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है, सो बहुत ही सच्चा दर है। और अंधेरी का राजा जैसे नाम है ऐसे ही हमारे दिलों पे राज करते हैं, तो बस अपने प्रोजेक्ट्स को लेके काफ़ी हमें तैयारी की है और कुछ हटके कुछ बड़ा करने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द ऑफिशियल तरीके से आप सबके सामने न्यूज़ आएगी, बट बप्पा का इसमें पूरा पूरा आशीर्वाद है हमारे साथ कि जैसे कि बोलते हैं ना कि जब हम बड़ा काम करते हैं तो हमारे आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पप्पा वो प्रॉब्लम्स को कम कर देते हैं और हम जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं वो सक्सेसफुल लोगों मतलब रिलीज हो, लोगों को पसंद आए और पॉपुलरिटी मिले, बस यही चाहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम यही बोलते हैं जो भी पप्पा से यहाँ पर मन्नत मांगते हैं, वो आम जनता हो या बॉलीवुड के लोग हो, राजनीति का लोग हो, बप्पा सभी का मनोकाम पूरा करे और अगले साल यहाँ पर असच के आए, ये हमारा काम बनाए और बप्पा को जो भी उनका दिल में है वो चढ़ाए। और साथ ही साथ में बप्पा के साथ साथ ही ये आपका जो है मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त रहता है कि मैं हर साल की तरह इस साल भी आया हूँ, उसी तरीके से मैनेजमेंट है और आपके जितने भी जो कार्यकर्ता हैं जो अंधेरी का राजा, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और हर एक इंसान बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करता है और बहुत अच्छा लगता है, और आपकी हमें बहुत सपोर्ट रहती है और हर वक्त जो है आपको जो है याद करता है कि आप इतनी अच्छी व्यवस्था रखते हैं बप्पा के आशीर्वाद से। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी अभी अपकमिंग मूवी आ रहा है उसके लिए बहुत बधाई, और अंधेरी का राजा का चरण में से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका मूवी है, आपका प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुए और पूरा लोगों को बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत मेहनत की है, इस बार जो फिल्म अभी जो आने वाली है फिल्म के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो फिल्म एक कंप्लीट पैकेज बन के पब्लिक के सामने आने वाली है और उसमें मेरी बहुत मेहनत है और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी और ये बप्पा का आशीर्वाद है और आप लोग भी जो है
आशीर्वाद दो इस तरीके से कि जो हर एक चीज़ जितने भी बप्पा के चरणों में लोग आए हैं, बप्पा उनकी हर एक एक की मुरादें पूरी करें। एक बार बोलेंगे लास्ट, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया।